वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आपका कैवा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, वर्ड एफिशिएंसी के टेस्ट चल रहे थे सोनी टाइपिंग ट्यूटर में। हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिए 32, तो अब हम शुरू करते हैं 33 टेस्ट। तो आपकी सफलता की मंगल कामना के साथ हमारा टेस्ट स्क्रीन पर आ चुका है। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है मोहम्मद शब्द को। यहाँ पे जो भी आपको शब्द दिया गया है वो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या करना है, टाइपिंग करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको सारे के सारे टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हाँ, एग्जाम से पहले पहले हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे के सारे टेस्ट का सॉल्यूशन मिले। तो हमें यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो करना था मोहम्मद समद को। फॉन्ट में आते हैं और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो करते हैं सीधा का सीधा, ओके करते हैं, रिप्लेस ऑल करते हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। सेकेंड क्वेश्चन है टेक्स्ट कलर चेंज करना है थर्ड पैराग्राफ का। तो थर्ड पैराग्राफ देखते हैं कौन सा है। पहले तो यह है आपका दूसरा पैराग्राफ, यह है आपका थर्ड पैराग्राफ, इसको करते हैं सेलेक्ट। और टेक्स्ट कलर मांग रहा है तो पहले से ब्लैक है, यहाँ से हम अलग ही टेक्स्ट कलर इसको दे देते हैं, ओके करते हैं, क्वेश्चन सोल्व। तीसरा क्वेश्चन है एक रो इंसर्ट करना है टेबल में। तो टेबल आपको लास्ट में दी गई है, सीधा का सीधा टेब बटन प्रेस करना है, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट साइज करना है 17 फर्स्ट पैराग्राफ का। तो पहला पैराग्राफ देखते हैं कौन सा आपका, ये है पहला पैराग्राफ, इसका फॉन्ट साइज करना है 17। तो यहाँ से सीधा का सीधा एंटर कीजिए 17, ओके कीजिए, क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन है चेंज द सेकंड लिस्ट आइटम ऑफ टेक्स्ट भीलवाड़ा टू कोटा। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम दिया गया है, आपको स्क्रीन पे देख रहे हो। सबसे पहले इसको करना होता है रिप्लेस ये फाइंड। तो जो भी शब्द इसने यूज किया है सेम टू सेम आपको वैसे ही यूज करना है। और उसके बाद में यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर रिप्लेस में आना है। भीलवाड़ा को अगर कोटा बनाना है तो कोटा टाइप तो करना पड़ेगा, यहाँ पे कोटा करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाता है आपका सोल्व। कोटा शब्द में ये सबस्क्रिप्ट ये स्ट्राइक थ्रो नहीं लगाना है, हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम ये रहा, इसका टेक्स्ट कलर आपको करना था चेंज, यहाँ से हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। जो भी इसने टेक्स्ट कलर दे रखा है उसको करते हैं चेंजिंग। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्ट्राइक थ्रो देना है थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में। थर्ड रो कौन सा है, ये है आपका फर्स्ट कॉलम, ये है 68.02 जो डेटा है उसको करना है स्ट्राइक थ्रो, यहाँ से कीजिए स्ट्राइक थ्रो, क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ सेकंड रो इन द गिवन टेबल। सेकंड रो कौन सा है, ये आपका सेकंड रो, इसको क्या देना है, बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड आप यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑफ सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कीजिए, ये आपका सेकंड पैराग्राफ, इसको करना है अंडरलाइन, तो यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन है राइट अलाइन दीजिए टेक्स्ट ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में चलते हैं, ये रहा हमारा सेकंड कॉलम, इसको करते हैं हम सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद राइट अलाइन आप यहाँ से डायरेक्ट दे दीजिए, क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन है इंडेंट करनी है 0.96 टेक्स्ट इन द गिवन टेबल सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये है और ये है थर्ड कॉलम, इंडेंट करनी कौन सी है ये बताया नहीं, तो हम यहाँ पे लेफ्ट ही कर रहे हैं 0.96, ओके करते हैं, क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन है अप्लाई बोल्ड इफेक्ट टू द फोर्थ रो। फोर्थ रो कौन सा आपका, ये है फोर्थ रो, इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको क्या करना है, बोल्ड करना है, अप्लाई बोल्ड इफेक्ट, हाँ बोल्ड करना है, तो यहाँ से बोल्ड कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अगला क्वेश्चन हाईलाइट द टेक्स्ट ऑफ थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं कौन सा है, ये आपका थर्ड पैराग्राफ, इसको करते हैं सेलेक्ट, और इसने क्या बोला है हाईलाइट करने का, तो यहाँ से हाईलाइट कीजिए, क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन है पेज साइज लीगल करना है। तो पेज लेआउट में आओगे, साइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लीगल ऑप्शन मिल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अलाइनमेंट करना है अगले क्वेश्चन में फोर्थ पैराग्राफ का सेंटर। तो फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं कौन सा है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है आपका, ये है फोर्थ, ये फोर्थ की बात कर रहा है क्या, फोर्थ, हाँ ये आपका तीसरा पैराग्राफ हो गया, ये है आपका फोर्थ पैराग्राफ, इसको किया सेलेक्ट। और अलाइनमेंट कौन सा मांग रहा है, सेंटर अलाइनमेंट मांग रहा है, तो यहाँ से होम में आएंगे, यहाँ पे करेंगे सेंटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है सेट द पेज मार्जिन टू नेरो। पेज लेआउट में आओगे, मार्जिन में आओगे, यहाँ पे नेरो सेट करोगे, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन है सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है सुपर शब्द को। होम में जाना है, रिप्लेस में जाना है, जो भी शब्द है उसको लिखना है यहाँ पे, जो भी आपको शब्द दिया गया है क्वेश्चन में वो शब्द यहाँ पे टाइपिंग करोगे। सुपर शब्द को सुपर स्क्रिप्ट देना है तो फॉर्मेट में फॉन्ट में जाके सुपर स्क्रिप्ट करोगे, ओके करोगे, रिप्लेस ऑल करोगे, तो इस तरीके से सुपर शब्द हो गया सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग 2.0 कीजिए पहला जो पैराग्राफ है उसकी। तो इसको किया हमने सेलेक्ट, लाइन स्पेस यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.0।
इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिए सोल्व। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो देखते हैं, हमने 50/50 नंबर एक्सेप्ट कर लिए हैं, रिजल्ट हमारा बढ़िया रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल साझा करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।